आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, पांच पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक जो पूरा दिया हुआ हो, दूसरा जो हम लोग से उसमें कुछ अधूरा पूछ रहा हो। जैसे यहाँ बोल रहा है पांच पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो किसी दीवार यानी किस दीवार को, यानी कितना दीवार बनाते हैं ये नहीं मालूम है। तो सबसे पहले यहाँ कंप्लीट करेंगे हम लोग, क्या है, मैन डे यानी दिन, और काम कितना है नहीं मालूम, किसी दीवार यानी कितना दीवार। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं तो बोल रहा है मूल दीवार से 50% अधिक, यानी कि यहाँ से हम लोग का दूसरा भाग स्टार्ट होता है, मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाना है, कितना दिन में, 10 दिन में। अब मूल दीवार जो होगा उससे 50% अधिक, 50% अधिक का मतलब 100 में 50 अधिक, यानी हम लोग कह सकते हैं कि मूल दीवार हम लोग का कितना होगा, 100 हो सकता है, ये खुद के द्वारा माना जाएगा। क्यों, 50% अधिक यानी कुछ नहीं दिया गया है, और यहाँ बोल रहा है 50% अधिक यानी 100 में 50 अधिक, यानी यदि हम लोग 100 मान लें तो 50% अधिक कर सकते हैं, तो काम हम लोग का हो जाएगा। अब आदमी कितना है, यहाँ पांच आदमी काम कर रहा है, कितना दिन में, 12 दिन में काम को कर लेता है, कितना काम, तो यहाँ 50% अधिक का मतलब है कि यदि 100 काम रहा होगा तभी तो 50% अधिक नहीं 150 होगा, तो कुछ नहीं है तो यहाँ हम लोग 100 मान लेंगे इसके बेस पर, 50% के बेस पर, 50% का मतलब 100 में 50 अधिक, इसलिए हम लोग 100 इसको मान लिया। अब दूसरा भाग हम लोग का हो जाएगा मैन डे वर्क, बोल रहा है कितने पुरुष, यानी यहाँ आदमियों की संख्या नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क। दिन, कितना दिन में, 10 दिन में, 10 दिन में काम को करना है, कितना काम, तो मूल दीवार से 50% अधिक, यानी जितना दीवार पहले था उसका 50% अधिक, तो पहले हम लोग कितना दीवार माने, किसी दीवार, और इस किसी दीवार को कितना मान लें, 100 मान लिए, तो इसका 50% अधिक कितना हो जाएगा, 150। ये हम लोग का हो गया दो भाग, यानी कि पहला भाग ये हम लोग का हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। अब इसको हम लोग किस फॉर्मूले से बनाएंगे, एम डी एच के फॉर्मूले से, एम डी एच बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी एच बाई डब्ल्यू। अब यहाँ एम क्या है, एम है आदमियों की संख्या, यहाँ आदमी औरत कुछ भी हो सकता है, डी यानी दिन का संख्या, एच यानी घंटा का मान होगा, उसी तरह से यहाँ आदमियों की संख्या, दिन का संख्या और घंटा। अब यहाँ एम डी एच और यहाँ भी एम डी एच, यानी पहले आदमी दिन और घंटा का मान, दूसरे आदमी दिन घंटा का मान, ये हम लोग का हो गया काम, यानी कितना काम करेगा। लेकिन इस प्रश्न में क्या देख रहे हैं हम लोग, कि आदमी दिन काम दे रहा है, घंटा नहीं दे रहा है, यानी कि घंटा से यहाँ हम लोग को कोई मतलब नहीं है, जब देगा तब इसका यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले का यूज करना है तो लिखेंगे एम डी, घंटा है नहीं तो घंटा को छोड़ देंगे यहाँ, बटा काम बराबर यहां भी एम डी बटा काम। अब यहां हम लोग का एम का मान क्या होगा, कितना आदमी, पांच आदमी, पांच हो गया, इनटू कितना दिन, 12 दिन में, कितना काम, ये काम हम लोग का डब्लू, 100 काम, 100 काम हो जाएगा बराबर। अब यहां आदमी, कितना आदमी नहीं मालूम है, तो आदमी को आदमी ही लिखेंगे, मैन, कितना दिन में, 10 दिन में, इंटू 10, कितना काम कर रहा है, 150 काम, तो इस वर्ग के जगह 150 हम लोग लिख देंगे।
अब इसको काटेंगे हम लोग, तो निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है m का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यही यहाँ नहीं है, यानी कि जो यहाँ बचा हुआ उसको पहले काटेंगे। तो जीरो से जीरो, अब 15 बराबर के बाद जो है बटा में यानी भाग में है, तो इस साइड में आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 5 × 12/100, और ये 15 यहाँ आएगा तो हो जाएगा इंटू में, काटेंगे इसको हम लोग, 20×5 100, 5×20, 5×3 15, 4×3 12, कितना आ गया हम लोग का 9, और ये 9 किसका मान आया, एम का, यानी कि मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितना आया एम का मान, 9, 9 पुरुषों की आवश्यकता होगी। हम लोग का अगला प्रश्न है, 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस प्रश्न को भी पहले हम लोग दो भागों में बांटेंगे, और उसके बाद जो फॉर्मूला अभी यूज किए थे उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। किस फॉर्मूले का, MD = MD/work/work, ये हम लोग का पहला आदमी और दिन का संख्या हो गया, ये दूसरे आदमी और दिन का संख्या, ये पहला काम और ये दूसरा काम। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, किसी कार्य और उसी कार्य, यानी कि यहाँ वाला काम और यहाँ का काम, दोनों काम सेम है, और जब काम समान हो तो इस W का यूज हम लोग फॉर्मूले में नहीं करेंगे। अब सबसे पहले काम को दो भाग में बांटते हैं, यानी इस प्रश्न को दो भाग में बांटेंगे। तो पहला दिया है 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, काम यहाँ खत्म, यानी पूरा काम कर दिया, तो क्या दे रहा है, मैन का दे रहा है 15 आदमी, दिन कितना, 30 दिन में खत्म कर देगा। अब दूसरा भाग क्या दे रहा है, 20 आदमी, आदमी कितना, 20 को कितने दिन में पूरा करेगा, 20 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यहाँ डे यानी दिन निकालना है नहीं है। ये हो गया हम लोग का प्रश्न का पहला भाग, और ये हो गया दूसरा भाग, दो भाग में बांट लिया हम लोग। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, MD = MD, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, M1 D1 और M2 D2, यहाँ वर्क नहीं है इसलिए बटा में वर्क नहीं लिखेंगे, वर्क यहाँ खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि सेम काम है, जब भी सेम काम होगा इस W को हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब M1 यानी पहले भाग का आदमियों का संख्या कितना है, 15, D कितना, D यानी समय कितना, 30, दूसरे भाग में M2 का मतलब दूसरे भाग में आदमी का संख्या कितना, 20, D2 यानी यहाँ D2 नहीं मालूम है, दिन का संख्या ही तो निकालना है, तो D2 यानी इसका मान निकालना है, तो 0 से 0 गया, इसको गुना करेंगे आ जाएगा 15×45 बटा, क्योंकि 2 इसके साथ गुना में है तो बराबर के दूसरे साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी जब भी बराबर के दूसरे साइड में जाएगा गुना वाला तो भाग में हो जाएगा, और यदि भाग में रहेगा तो गुना हो जाएगा, ये D2। अब इन दोनों को काट देंगे तो मान आ जाएगा 2×4, यहाँ 5 बचा, 2×4 1×2×5=10, यानी कि D2 का मान कितना आ गया, D2 = 22.5, यानी कि 20 आदमी उसी काम को, किस काम को, जिस काम को 15 व्यक्ति 30 दिन में कर सकता था, उसी काम को 20 आदमी 22.5 दिन में खत्म कर लेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी
कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 15 आदमी करेगा तो काम को खत्म करने में 26 दिन लगेगा, और उसी काम को यदि महिला करती है तो 26 दिन में काम को खत्म करने के लिए 20 महिला को काम करना पड़ेगा। आगे बोल रहा है, तो उसी काम को 30 पुरुष एवं 12 महिला, यानी 30 पुरुष और 12 महिला दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं, यही निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग, 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला, जब भी यहाँ बीच में या आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का, पुरुष और महिला का कार्य करने का क्षमता ज्ञात करेंगे। तो पुरुष यानी मैन, महिला यानी वोमेन, या यानी और, नंबर कितना आदमी, 15 आदमी, कितना औरत, 20 औरत। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्षमता बदलेंगे, यानी एफिशिएंसी, ये हम लोग का नंबर है, 15 आदमी 20 औरत, दोनों का काम बराबर है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्षमता के लिए 20 को यहाँ लाएंगे और 15 हम लोग का यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15, काट करके इसको छोटा करेंगे, 5 चौक 20, 5 3 15, यानी अब हम लोग कह सकते हैं कि एक पुरुष एक दिन में 4 काम कर सकता है और एक महिला एक दिन में 3 काम कर सकती है, दोनों का कार्य क्षमता का अनुपात आया। अब निकालना क्या है, साथ में मिलकर कितने दिन में काम को खत्म कर लेंगे। तो यहां भी हम लोग इस प्रश्न को दो भाग में बांटेंगे, जैसे पिछले वाले में किए थे, क्या करेंगे, 15 पुरुष, और फॉर्मूला यही यूज करेंगे, MD = MD, नीचे W का यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि काम दोनों का सेम है, यानी कि सेम काम में W से W खत्म है। अब 15 पुरुष यदि काम करेगा तो 26 दिन में, और महिला को लेंगे तो 20 महिला 26 दिन में, यानी कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 15 पुरुष यानी मैन इनटू आदमी का हो गया, उसके बाद डी यानी डे दिन, कितना दिन, 26 दिन में, 26 दिन हो गया पहला भाग। दूसरा, यदि यहीं पर हम लोग पुरुष के जगह महिला लेते तो यहाँ लिखते हम लोग 20 और महिला के जगह यानी मैन के जगह वोमेन यहाँ यूज करते हम लोग, लेकिन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, या का मतलब है दोनों में से किसी एक को ही यहाँ यूज करना है, या तो 20 महिला या तो 15 पुरुष। अब आगे बोल रहा है कि इसी काम को, काम से मैं इसी काम को 30 पुरुष महिला कर्मी, 30 पुरुष और 12 महिला दोनों मिलकर, अब यहाँ मिलकर, यहाँ या नहीं एवं है, एवं का मतलब प्लस, तो 30 पुरुष प्लस 12 महिला, यहाँ या दिया हुआ था इसलिए दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे, यहाँ एवं लिखा हुआ है इसका मतलब दोनों मिलके यानी प्लस में काम करेगा, इनटू कितने दिन में नहीं मालूम, दिनों का संख्या डी। अब 15 तो 15 यहाँ उतार लेंगे, एम के जगह क्या होगा, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो यहाँ हम लिख देंगे एम के जगह 4, ये हो जाएगा 26। अब 30 महिला, 30 आदमी और 12 महिला का हम लोग एक दिन का काम निकालेंगे, टोटल काम, तो 30 आदमी बराबर कितना काम, 30, और एक आदमी एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो 4 3 12 120 काम, 12 महिला, तो 12 महिला 12 और एक महिला का एक दिन का काम 3 काम, तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 2 3 5 156, यानी कि 30 आदमी 12 औरत मिलकर 156 काम कर सकते हैं, तो ये हो गया हम लोग का 156, कितना दिन में, यही तो निकालना है। अब इसको काटेंगे तो 26 6 का 156,
अब इस 6 को बराबर के दूसरे साइड में लाएंगे, तो यहाँ यदि लाते हैं तो 6 यहाँ गुना में है तो दूसरे साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब जब दूसरे साइड में आ गया तो 6 तो यहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि यही 6 तो यहाँ उठ करके आया है। अब यहाँ हम लोग काट करके छोटा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 दूना 4। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना हम लोग का 10। किसका मान? डी का। यानी कि 30 पुरुष 12 महिला, उसी काम मतलब जिस काम को 15 पुरुष 26 दिन में कर सकता था, उसी काम को 30 पुरुष 12 महिला मिलकर काम को कितना दिन में करेगा? 10 दिन में कर सकता है। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, 18 लड़के और 12 लड़कियां मिलकर एक प्रोजेक्ट का काम 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और का मतलब प्लस, यानी कि 8 लड़का के साथ 12 लड़की मिलकर एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने 50 दिन का समय लगता है तो लड़की अकेले इस काम को कितना दिन में खत्म कर सकती है, यही निकालना है। तो इस प्रश्न को भी हम लोग पहले 2 भागों में बांटेंगे और MD फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि MDH फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ घंटा का यूज नहीं हुआ है इसलिए H को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को 2 भाग में बांटेंगे। पहला भाग कहाँ से आएगा? 8 लड़के 12 लड़कियां मिलकर 5 दिन में काम को कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग का एक काम एक भाग हो गया। दूसरा भाग, 1 लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने 50 दिन, ये हम लोग का दूसरा भाग हो गया। तो पहला भाग में क्या दे रहा है? 8 लड़का यानी बॉय, 12 लड़कियां यानी कि 12 गर्ल, दोनों मिलकर कितना दिन? 5 दिन। तो आदमियों का संख्या जिसमें कि आदमियों, ये लड़का और गर्ल दोनों है, कितना दिन? 5 दिन, 5 दिन में कर सकता है। अब दूसरा भाग बराबर, यहाँ बराबर होगा आदमी का मतलब हुआ टोटल लेबर हम लोग बोल सकते हैं, और लेबर में कितना? लेबर का मतलब मजदूर, उस मजदूर में लड़का और लड़की दोनों शामिल है। अब बोल रहा है उसी काम को, यानी अब लेबर क्या है? सिर्फ अकेले लड़का है, यानी एक लड़का। दूसरा भाग में 1 लड़का कितना दिन में? 50 दिन में काम को कर सकता है, यानी कि जिस काम को 8 लड़के 12 लड़कियां 5 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 1 लड़का अकेले 50 दिन में कर सकता है। ये हम लोग का सेट हो गया 2 भाग। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 8B + 12G, इस 5 से 50 को काटेंगे 10 आएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 10B। अब 8 लड़का को यहां से हटा करके बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा 8B। अब इसको हल करेंगे तो 12 लड़की 10 में से हट गया 2, तो कितना बचेगा? 2 लड़का। अब काटेंगे इसको हम लोग 2 6 12। अब अनुपात में बदलेंगे, अनुपात में कैसे बदलेंगे? तो बी को यहां लाएंगे, बी को यदि यहां लाए हम लोग तो जी के नीचे हो जाएगा बी, और इस 6 को क्रॉस करके दूसरे साइड में लाएंगे तो बटा में हो जाएगा 6, और यहां कुछ नहीं तो 1 हो सकता है। यानी फाइनली इसको यदि हम लोग लिखें तो लड़की बटा लड़का कितना आया? 8 और 6। यानी ये हम लोग बोल सकते हैं कि
लड़की और लड़का क्या आया? अनुपात का मतलब है ये लड़की का एक दिन का काम करने का क्षमता है और ये लड़का का एक दिन का काम करने का क्षमता है। तो लड़की एक दिन में एक काम कर सकती है और लड़का एक दिन में 6 काम कर सकता है। बोल क्या रहा है? एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट को करने में 50 दिन का समय लगा, तो लड़का एक दिन में 6 काम कर सकता है या कितना दिन काम? 50 दिन। तो एक दिन में 6 काम तो 50 दिन में 536 300 काम, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल काम था कितना? 300। जब 300 काम लड़का किया तो इसी काम को लड़की को करना होगा। बोल तो रहा है एक लड़की को अकेले इसी प्रोजेक्ट को करने में कितना समय लगेगा? तो 300 काम लड़का किया यानी इसी काम को अब लड़की करेगी, तो लड़की कितने दिन में करेगी? तो लड़की का एक दिन का काम करने का क्षमता 1 है, काम करना 300, तो समय क्या लगेगा? तो समय बराबर होता है काम जो 300 है बटा जिसको करना है उसका एक दिन का क्षमता। किसको करना है? लड़की को करना है। तो लड़की का एक दिन का काम करने का क्षमता कितना आया? 1। 1 से भाग देंगे तो 300 आएगा, यानी कि अकेले लड़की उस काम को कितने दिन में कर लेगी? 300 दिन में। हम लोग का अगला प्रश्न है, 15 पुरुष या 25 महिला, फिर वही बात आ रहा है, 15 पुरुष या 25 महिला एक खेत की फसल को 22 दिन में काट सकती है। यानी कि यदि पुरुष काम करता है तो 15 पुरुष 22 दिन में काम को खत्म कर सकता है, लेकिन अगर महिला इस काम को करेगी तो 22 दिन में काम को खत्म करने के लिए 25 महिला का जरूरत पड़ेगा। आगे बोल रहा है 9 पुरुषों और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे। अब इस प्रश्न को भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में महिला और पुरुष का क्षमता ज्ञात करेंगे, उसके बाद प्रश्न को दो भागों में बांटेंगे। तो पहले इसका हम लोग क्षमता ज्ञात कर लेते हैं, मैन वोमेन या यानी और, ये हो गया नंबर 15 आदमी 25 औरत। जब भी और यानी या बीच में या दे तो सबसे पहले इसका हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे, और क्षमता कैसे आएगा? क्रॉस करेंगे पहले, यानी 25 इधर और 15 इधर, तो ये हो जाएगा हम लोग का 25, ये 15 काटेंगे, 25 5 या 15, यानी कि एक दिन में एक आदमी 5 काम करेगा तो एक दिन में एक महिला 3 काम कर सकती है, ये हम लोग का क्षमता आ गया। अब प्रश्न को दो भाग में पहले बांटेंगे, क्या 15 पुरुष या 25 महिला। अब यदि सिर्फ पुरुष को हम लोग लें, या तो पुरुष को ले या तो महिला को, किसी एक को ही ले सकते हैं, दोनों को नहीं, क्योंकि यहाँ याद दे रहा है। तो 15 पुरुष, इसको ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, 15 पुरुष एक खेत की फसल को 22 दिन में काट सकता है, या फिर यदि महिला को लेकर के बनाना हो इसको हम पढ़ेंगे, 25 महिला एक खेत की फसल को 22 दिन में काट सकते हैं। तो यहाँ हम लोग पुरुष को लेकर के बनाएंगे या महिला को ही लेकर बनाते हैं, 25 महिला यानी 25 वोमेन कितना दिन में? 22 दिन में। फॉर्मूला हम लोग का यही यूज हो रहा है, MD = MD, M का मतलब मजदूर, तो कितना मजदूर? 25 औरत, डे यानी दिन, कितना दिन? 22 दिन में, बराबर 9 पुरुष। अब कितना है? 9 पुरुष और 18 महिला, अब मजदूर की जगह कितना आ गया, यहाँ M मतलब आदमी नहीं लेंगे, लेबर लेंगे, यानी कितना मजदूर काम करेगा, तो अब कितना काम कर रहा है? 9 पुरुष और 18 महिला, तो 9 पुरुष प्लस 18 महिला वोमेन मिलकर इसे कितने दिन में काटेगा, कितने दिन में कर लेगा, तो कितना दिन यही नहीं मालूम है, निकालना है। अब 25 तो 25 हो गया, यहाँ हम लोग लिए हैं 25 महिला, तो महिला का एक दिन का काम करने का क्षमता कितना? 3, तो W का जगह हम लोग भर देंगे 3, यानी कि महिला का जगह 3 क्षमता भरा जाएगा, इंटू
22, यानी कि इसको हम लोग ऐसे बोले कि 25 औरत काम कर रही है, एक औरत का काम करने का क्षमता 3 है, तो 25 औरत का काम करने का क्षमता कितना होगा? एक औरत औरत के क्षमता से गुना करेंगे 25 से 75, वही यहाँ हम लोग किए हैं बराबर। अब बोल रहा है 9 आदमी और 18 लड़का मिलकर, तो 9 आदमी और 18 लड़का का क्षमता कितना होगा, यानी 9 आदमी और 18 लड़का या 18 औरत मिलकर कितना काम करेगा? तो 9 आदमी 9 × आदमी का एक दिन का काम करने का क्षमता 5, तो एक आदमी का 5, तो 9 आदमी कितना काम कर लेगा? 45 काम। अब यहाँ 18 औरत, तो 18 औरत, एक औरत का क्षमता 3, तो 18 औरत का क्षमता कितना? 3 से गुना करेंगे, 18 × 3 = 54, टोटल कितना आ जाएगा? 5 × 4 = 9, 4 × 5 = 9, यानी कि 9 आदमी 18 औरत मिलकर 99 काम करेगा। क्यों गया 99 काम? कितना दिन में? नहीं मालूम। अब इस 99 को यहां से हटाएंगे तो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी यहां इनटू में था तो दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको काटेंगे हम लोग, 11 × 9 = 99, 11 × 2 = 22, 3 × 3 = 9। अब 25 और 2 को गुना करेंगे, 25 × 2 = 50, और ये 3/3 भाग देंगे तो 16 × 3 = 48, 2 बचेगा शेष 3, किसका मान? डी का, यानी कि 9 पुरुष और 18 महिला किस काम को? जिस काम को 15 पुरुष या 25 महिला 22 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 9 पुरुष 18 महिला कितने दिन में करेंगे? 16 × 2 = 3 दिन में,